दोस्तों, अभी आप ये जो रास्ता देख रहे हो ये रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग की ओर जाने वाला रास्ता है और बाजू में अलकनंदा रिवर जो है वो यहाँ पे बहती है। आप देख सकते हो यहाँ से रुद्रप्रयाग से केदारनाथ 86 किलोमीटर है और यहाँ से बद्रीनाथ है 157 किलोमीटर डिस्टेंस पे आया हुआ है। जब दो नदी का संगम होता है तो उसे प्रयाग ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी का संगम होता है। वो आगे जाके जिसे हम कहते हैं गंगा रिवर,